मेरे जीवन में मुझे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रही, ये एक वरदान ही है। वरदान इसलिए कि हम सभी लोगों का बचपन से एक रेस के घोड़े के लिए हम लोग बनाया जाता है, और वो रेस के घोड़े की तैयारी सिर्फ फेल के बाद नहीं होती है, उसके पहले से 8वीं 9वीं से प्रोफेशनल लाइन लेना है तो 8वीं 9वीं से कोचिंग क्लासेस शुरू होते हैं। मेरे बहन की एक सहेली है, बम्बई में रहती है, उसकी छोटी लड़की को 3 साल की उम्र में केजी में डालना था। केजी में एडमिशन मिलने की आजकल बड़ी मुश्किल होती है बम्बई में, तो वो लड़की जब 2.5 साल की थी तब उसको कोचिंग क्लास लगाया गया, सो दैट केजी की एंट्रेंस एग्जाम में वो पास होनी चाहिए और उसको केजी के एडमिशन। सो नाउ रेस के घोड़े की तैयारी 2.5 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे मन में, हमारे डीप साइकी में इतना गहरा बैठ जाता है कि बस स्पर्धा करनी है, कॉम्पिटिशन करनी है और दूसरे से बेहतर सिद्ध होना है, और दूसरे से बेहतर सिद्ध होना यही मेरा मापदंड है। एम आई वर्थ वाइल, इट डिपेंड्स। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट 15-20 सालों पहले आया करती थी, आप लोगों ने नेचुरली देखी नहीं होगी। वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी कि दो औरतें हैं मिडिल एजड, एक पब्लिक गार्डन में बैठ के कुछ ऐसे काम कर रही हैं, एक दूसरे से गप्पे मार रही हैं, मिडिल एजड औरतें हैं, शाम को गप्पे मार रही हैं। तो एक का लड़का दौड़ते दौड़ते आता है स्कूल यूनिफॉर्म में और कहता है, मम्मी मम्मी मुझे स्कूल एग्जाम में 95% मार्क मिले। तो उसकी मम्मी क्या कहती है? उसकी मम्मी कहती, हाँ लेकिन राजू को कितने मिले, तुझे कितने मिले इसका एप्रिसिएशन डिपेंड्स कि राजू को कितने मिले। राजू को तुझसे कम मिले होंगे तो तुझे अच्छे मिले हैं, राजू को 96 मिले होंगे तो तुम्हारे 95 में कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स, टीचर, होल सोसाइटी cultivates this sense of intense competition and our self-worth is decided by comparing with others. तो मैं, मुझे सौभाग्य से ये नहीं हुआ या काफ़ी कम हुआ, so I was not really driven by performing better than others and proving myself of something worth by performing better than others. That was not my drive ever. अब आपका सवाल ये है, एक तो ये कि ये बड़ा ब्लेसिंग है क्योंकि इस ब्लेसिंग से बहुत टेंशन से छुटकारा हो जाता है, नहीं तो बेटर परफॉर्म करो इसका मतलब मेरे इर्द गिर्द के सभी लोगों को मैं बीट करूं, और ज़िंदगी में हर चीज़ में कैसे बीट करोगे? जूलॉजी में बीट करोगे तो बॉटनी में नहीं मिलेंगे, एनाटॉमी में कर दोगे तो फिजियोलॉजी में दूसरा कोई ज़्यादा मार्क ले जाएगा, तुम तो गए। तो आदमी को सुखी होने नहीं देती है ये स्पर्धा, कायम दुखी रखती है, अधूरा रखती है। अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, अ सेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इज जनरेटेड बिकॉज यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद अदर्स एंड देयर विल बी ऑलवेज समबडी एल्स हु हैज डन बेटर देन यू इन सम वन डायमेंशन, बट वो अलाउड नहीं है। आपको तो सचिन तेंदुलकर भी बनना है बैटिंग में, आपको लता मंगेशकर भी बनना है सिंगिंग में, और आपको जाकिर हुसैन बनना है तबला बजाने में, और जो भी फील्ड में जो भी होगा ग्रेटेस्ट। आजकल हर बच्चे पे ये जुल्म होता है कि तुझे तो हर चीज में आउटस्टैंडिंग बनना है। एडल्टहुड में दुख का ये बड़ा कारण है, हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग ही वैसे हो जाता है। मैं अपने आप में बहुत समाधानी हूँ, खुश हूँ, ये अवस्था को हम महसूस ही नहीं करने देते। निर्माण के शिविर के पहले हमने एक शिविर लिया था काफी सालों पहले, 20 सालों पहले, तो उसमें गढ़चिरौली के आदिवासी युवा भी थे आपके उम्र के और बम्बई के भी लड़के थे। उस शिविर में हमने खेल किया, दो दो लोगों की एक एक जोड़ी बनाई,
और उस जोड़ी को ये सवाल पूछा कि तुम गढ़चिरौली के जंगल में से जा रहे हो और सडनली यू फेस अ टाइगर, तो क्या करोगे? तो गढ़चिरौली के लड़कों ने कहा, आदिवासी के लड़के थे, उन्होंने कहा हम दोनों टाइगर से लड़ेंगे, जीते तो दोनों बच जाएंगे, मरे तो दोनों मर जाएंगे। बॉम्बे के लड़कों की जोड़ी थी, उसने कहा मैं बोले तेजी से भागूंगा। तो मैंने कहा तुम कितने भी तेजी से भागे तो क्या टाइगर से ज्यादा तेजी से थोड़ी ना भाग सकने वाले हो, तो भागने का क्या फायदा है? टाइगर से ज्यादा तेजी से भागने की जरूरत नहीं, बोले मेरा जो साथी है उससे मैं ज्यादा तेजी से भाग गया कि शेर के मुंह में वो गया, मैं बच गया। जो अपने साथी को भी शेर के मुंह में देने में अपनी सफलता मानता है उसको कंपटीशन कहता है। तो वैसा करे तो फिर तो आपका कोई दोस्त ही नहीं, कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। यू आर पोजिशनड इन सच ए वे इन सोसाइटी दैट एवरीबडी इज योर कॉम्पिटिटर, एवरीबडी इज योर पोटेंशियल राइवल, एवरीबडी इज योर पोटेंशियल एनिमी। आदमी के दुखी होने का ये तो बिल्कुल मास्टर की है, रहो जिंदगी भर दुखी रहो, कोई ना कोई बिल गेट्स होगा जो आपसे ज्यादा कमाएगा, और बिल गेट्स से भी ज्यादा कमाने वाला और कोई अमेज़न का कौन है, वो जेम्स बेजोस आ जाएगा। और अब तो अडानी महाशय भी उनके कंपटीशन में आ रहे हैं। अडानी हैज गॉट नाउ ओनली 9 बिलियन लेस देन बिल गेट्स, तो अडानी माइट वेरी इजीली बीट बिल गेट्स इन रिचनेस। सो सवाल ये है कि कॉम्पिटिटिव जब हम सोचते हैं उसके कोई एडवांटेज तो है, जब आपको बेटर परफॉर्म करना है तो कंपटीशन एक्ट्स एज ए व्हिप, आप घोड़ा तेजी से भागता है। लेकिन ऐसा है कि घोड़ा अगर हमेशा व्हिप खा खा के ही तेजी से भागेगा तो कभी ना कभी थकेगा। उसके बजाय आपका जो सवाल है कि आपको अगर मुझे अगर कंपटीशन व्यक्तिगत कंपटीशन ये इसका कोई बहुत प्रेरणा नहीं थी, तो फिर जीवन की प्रेरणा कहाँ से लाइए? मला अजिबात मेडिसिन वेडिसिन मध्ये काही इंटरेस्ट नव्हता। आय वॉज थरोली एन्जॉईंग रिडिंग फिक्शन्स, कथा कादंबऱ्या वाचा, गोष्टी वाचा, खुश राहा। 1963 मध्ये भारतामध्ये खूप दुष्काळी होता आणि अन्न दुर्भिक्ष होतं। त्यावेळी तर अमेरिकेहून मोठ्या मोठ्या जहाजामध्ये असे मिलो ज्वारी यायची, लाल ज्वारी, जे तिथे जनावरांना खाऊ घालायचे ते भारतीय लोकांना खाऊ घालायला इथे यायचे। मुंबईच्या डॉकवर ते अन्न उतरलं कि मग रेल्वेच्या वॅगनने भरभर देशभर पोचवायचे। 15 दिवसाचा फक्त भारतामध्ये एकूण अन्न स्टॉक फक्त 15 दिवसाचा शिल्लक होता। सो वी वेर लिटरली रेसिंग फॉर फूड। आणि त्या उन्हाळ्यामध्ये उस गर्मी में मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग साइकिल से, मैं उस समय 13 साल का था, मेरा बड़ा भाई 16 साल का था, हम दोनों साइकिल से एक बार जा रहे थे गर्मी, बस मई का ही महीना था, मई 1963। तो हम दोनों जा रहे थे तो मेरे भाई ने साइकिल रोकी और उसने कहा भाई हम अब बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा हाँ बड़े हो गए हैं 13 साल के, तो अब तय कर लेंगे कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है। तो मुझे लगा शाम को खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, वैसे ही सवाल है। मैंने कहा तय कर लेंगे। तो हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने सोचा, हम जहाज जा रहे थे वो पिपरी नाम का एक देहात था वर्धा जिले का, आज भी है लेकिन अब काफी बदल गया है। देहात की हालत खराब थी, घर खराब थे, मिट्टी के थे, चू रहे थे, डर रहे थे, लोगों के कपड़े फटे थे, बिल्कुल दुबले पतले, बच्चे मालनरिश बीमार, और खेत बिल्कुल उजड़े हुए। तो हम दोनों ने ये सोचा कि ये तो देहातों की हालत ख़राब है, तो भारत के देहातों की हालत सुधारना हो तो एक तो खेती सुधार की आवश्यकता है, अनाज नहीं है देश में और लोग भी देखो कैसे भूखे हैं, तो खेती सुधारने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य सुधारने की आवश्यकता है।
तो फिर मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैं चलो मैं खेती सुधारता हूँ भारत की, अब मुझे कोई चॉइस ही नहीं बचा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा ठीक है भाई मैं भारत का हिल सुधारता हूँ। अब कहाँ 13 साल के बच्चे को अकल होती है कि मैं भारत के देहातों की हिल सुधारता हूँ का मतलब क्या होता है और ये कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन गलतफहमी में बिना समझे हम दोनों भाइयों ने उस समय एक दूसरे से वादा किया कि मैं खेती सुधारूंगा मैं हेल्थ सुधारूंगा। अब हेल्थ सुधारनी हो तो क्या करना पड़ता है, तो डॉक्टर बनना पड़ता है। इसलिए मैं तो मेडिकल कॉलेज में गया विथ एक्सप्लिसिट गोल कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे देहातों की हेल्थ सुधारना है। उस समय कोई ये क्लैरिटी नहीं थी कि हेल्थ सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, हेल्थ यानी क्या होती ये भी पता नहीं था, लेकिन हेल्थ सुधारना है। अब ये मेरे लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ क्योंकि मेडिकल कॉलेज में या बाद में भी मुझे कभी इसलिए किसी पर एम्बिशन ने या कंपटीशन ने कभी प्रेरित किया ही नहीं, मुझे कभी उसकी प्रेरणा ही नहीं लगती थी। होता ऐसा था जो भी कारण हो, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता था लेकिन मुझे बिल्कुल उसकी बिल्कुल आकांक्षा नहीं थी, उसके लिए मैं कोशिश भी नहीं करता था, मैं उसकी चाह भी नहीं करता था। आ गया तो मुझे आश्चर्य होता था कहाँ से मैं फर्स्ट आ गया, मुझे तो कुछ बहुत आता नहीं है, मुझे ये चैप्टर का ये पेज का ये पैराग्राफ आता नहीं है, ये ठीक से नहीं पढ़ा है टॉपिक। तो मैं जानता था कि मेरी कमजोरियाँ कहाँ हैं लेकिन शायद परीक्षक ढूंढ नहीं पाते थे, तो जो भी होता हो, लेकिन दैट डिडंट इंस्पायर मी एट ऑल, मुझे कभी भी उसकी बिल्कुल प्रेरणा नहीं है। ये जो भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधारना है, इस ड्रीम ने मुझे बचा लिया। ड्रीम हमेशा अपने से बड़ा होना चाहिए। आपने अगर अपने ही साइज का ड्रीम चुना तो फिर तो आप छोटे ही रहोगे, बहु नहीं रहोगे, तो कम से कम ड्रीम तो ऊंचा चुनो। वो सफल होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ड्रीम तक तो मोस्ट ऑफन हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ड्रीम हमारे पूरे जीवन को सुंदर कर देता है, वो हमारे पूरे जिंदगी को एक मीनिंग प्रदान कर देता है। तो एक ड्रीम तो चाहिए लार्जर देन योरसेल्फ। अगर मैं ही अपना मेरा ड्रीम बन जाऊं तो आई एम तो ऑलरेडी देयर, तो अब तो जिंदगी में कुछ करने को बचा ही नहीं, स्टेट पे जाके आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इफ आई हैव नो ड्रीम लार्जर देन मायसेल्फ तो अब तो कोई चारा ही नहीं है, सुसाइड इज द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन मुझसे अगर मेरा ड्रीम मुझसे बड़ा है तो देयर इज समथिंग टू डू, और वो ड्रीम अगर मैं यशस्वी हो जाऊँ, मेरे फोटो अखबारों में आ जाए या मुझे मेडल मिल जाए या मेरा इतना इतना इनकम हो जाए, ऐसी ड्रीम अगर है तो ये तो बहुत छोटे ड्रीम है। छोटे ड्रीम रखेंगे, ड्रीम किस मायने में छोटे हैं आप कह सकते हैं, नहीं 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 मैं 10 मंजिल घर बनाऊंगा तो ये छोटा घर थोड़ी ना, घर छोटा नहीं है लेकिन फिर भी ड्रीम छोटा है क्योंकि ड्रीम सिर्फ तुम्हारे बारे में है, वो घर का साइज मैटर नहीं करता है, आपका बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता है, आपकी गवर्नमेंट में या प्राइवेट प्रैक्टिस में पोजिशन मैटर नहीं करती है। वॉट मैटर्स इज दिस ड्रीम इज अबाउट होम। इफ इट इज ओनली अबाउट यू ड्रीम साइज इटसेल्फ इज स्मॉल। अरे बक्सा ही छोटा है तो उसमें कुछ भी भर लो क्या होगा, जरा जरा बक्सा फूट जाएगा, लेकिन बक्सा नहीं बड़ा हो सकता है। तो ड्रीम तो बड़ा चुनो, ड्रीम इज नॉट गोल, गोल इज डिफरेंट, गोल शुड बी समथिंग विच शुड बी अचीवेबल, बट ड्रीम इज लार्जर देन यू, ड्रीम ऑट टू बी लार्जर देन यू बिकॉज ड्रीम एनलार्जेस यू, इट लिबरेट्स यू From the smallness of I। तो मुझे तो मेरे ड्रीम ने बचा लिया। वो ड्रीम्स जब उसको स्वीकार किया तब तो कोई अकल नहीं थी ऐसा मैं कहता हूँ, लेकिन शायद उसके भी पीछे की बैकग्राउंड हो कि बचपन से जो भी एक्सपोजर मेरा हुआ होगा उस कारण से, नहीं तो ये ड्रीम भी क्यों सोचा हम दोनों ने। So there has to be probably other background reasons, but I start that story with that particular episode near Pipri, कि जब explicit ने मैंने commit किया अपने आप से और मेरे भाई से, we had a tryst with destiny. Tryst with destiny सुना है? कहाँ? चलो good.
नीट में तो नहीं पूछता है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? नहीं, मजाक, मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते होते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं, और जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सुंदर भाषण है। 15 अगस्त, 14 अगस्त की रात को 12 बजे जब लाल किले पे झंडा फहरा के उन्होंने यूनियन जैक उतारा और तिरंगा फहराया, उस मोमेंट से भारत स्वतंत्र हुआ। इट वॉज अ डिक्लेरेशन इन इन तो दैट वॉज मोमेंट ऑफ पावर ट्रांसफर। उस समय का जो उनका भाषण है तो उसका शुरुआत का ही सेंटेंस में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो भाषण भी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो आई हैड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन 1963 इन द मंथ ऑफ मे, मुझे डेट याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उस समय तो कहाँ पता था कि ये इतना बड़ा अपने लिए एक महत्व का निर्णय मैं ले रहा हूँ, ये भी एहसास नहीं था। सो दैट सेव्ड मी। दूसरा ऐसा है देखिए कि मेरे सौभाग्य से मेरे बचपन में देश का भी वातावरण और उससे भी ज़्यादा जहाँ मैं बढ़ा उस वहाँ का समाज, वहाँ के लोग थोड़े दूसरे तरह के थे। ये सब गांधी जी और विनोबा जी के बनाए हुए आश्रम थे जहाँ, और उनकी गांधी जी के द्वारा शुरू की गई स्कूल थी जो उनके ही आश्रम में बापू कुटी के पड़ोस में थी, वहाँ पे मेरा बचपन गया, वहाँ मैं सीखा, तो उसका कुछ तो असर होता ही आप पे। अब वो लोग बड़े अजीब थे, आप विश्वास नहीं रख सकेंगे, ऐसे वो लोग थे। वो लोग है ना, फ्यू थाउजेंड पीपल लिविंग देयर एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया। कैसे लोग थे? उनके ड्रीम ये नहीं थे कि मेरी इनकम ज़्यादा कैसी हो, उनका ड्रीम ये था कि मेरा इनकम कम कैसे हो। कैन यू इमेजिन? और वो ये सोचा करते थे कि मुझे जो भी पेमेंट लेना पड़ता है मेरे लिए, मेरे परिवार को चलाने के लिए, तो मुझे समाज से लेना पड़ता है, तो मैं जितना कम लूँगा वो अच्छा है, ताकि वो और किसी को, किसी गरीब को जिसको ज़रूरत है उसको जा सकेगा। तो सारी कोशिश स्पर्धा रही थी, लेकिन कोशिश ये थी कि मैं कम से कम वेतन लूँ। आज जब हर कोई लड़ता है कि मुझे हायर सैलरी चाहिए, कॉम्पेंसेशन पैकेज चाहिए, आप लोगों में तो मेडिसिन में इतना नहीं, इंजीनियर्स में तो बड़ा चलता है, आईआईटी वालों में बहुत चलता है, आईएम वालों में तो कितना पैकेज मिला, वहाँ उल्टा था, जिसका जितना निर्वाह वेतन कम वो ज़्यादा अपने आप को अपनी ज़रूरतें कम करने में सफल हुआ है। रिड्यूस योर कंजम्पशन, रिड्यूस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, एंड देन ड्रॉ द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी फ्रॉम द सोसाइटी सो दैट यू लीव मोर फॉर अदर्स। अब ऐसे भी कोई लोग हो सकता है और ऐसा एक पूरा का पूरा समाज हो सकता है, आज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रसा फ्रीडम फाइटर का समाज था, सब गांधीवादी लोगों का समाज था, तो ऐसे ही लोग थे। तो उसमें मुझे फॉर्चुनेटली इस महत्वाकांक्षा ने कभी पकड़ा दबाए नहीं कि मुझे इनकम ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे वेतन सैलरी ज़्यादा बढ़ाना है, या मुझे प्रैक्टिस करके ज़्यादा पैसा कमाना है। यहाँ तो उल्टा ही आदर्श थे कि जितना कम कंजम्पशन करो उतने तुम ज़्यादा आदर्श हो। तो ये संस्कार जो था ये बड़ा वैल्यू संस्कार देता है। आज जिस समाज में आप लोग बढ़ रहे हैं और मैं भी उसी समाज में रहता हूँ, तो कोई मैं भी उससे परे नहीं हूँ, तो ये समाज हमको एक वैल्यू शिक्षा देता है। वो आपको पूछता नहीं है कि आपको ये वैल्यू शिक्षा चाहिए नहीं चाहिए, वो आप पे इट इम्पिंजेस अपॉन यू। सो हर कोई दुखी है, सो हर कोई दुखी करने का सबसे पावरफुल तरीका है कॉम्पिटिशन एंड ग्रीड। अगर ग्रीड है तो आप दुखी दुखी रहेंगे। परमानेंट इनसिक्योरिटी, परमानेंट अनहैप्पीनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन एंड ग्रीड। तो मैंने कहा कि इसमें कोई मेरा श्रेय नहीं है, लेकिन मैं जिस समाज में बढ़ा
उसमें गांधी जी के जो जीवन मूल्य थे उसमें से कुछ ये थे। उस समय तो पर्यावरण का सवाल कोई ऐसे एक्सप्लिसिटली सामने नहीं आया था, लेकिन अब जब आपके और हमारे सामने, मेरे सामने तो उतना नहीं है, इसी साल से गर्मी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग फ्यूचर रहा ही नहीं, इट इज़ ऑलरेडी अ प्रेजेंट। तो मेरे लिए भी और आपके लिए तो और ज़्यादा, आपको ज़्यादा साल बिताने हैं, तो पर्यावरण की जो समस्या है क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूज ग्लोबल चैलेंज। अब प्रॉब्लम इस दुनिया में कैपिटलिज्म भी है जो मोर प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिट और मोर कंजम्पशन। कैपिटलिज्म इसी पर आधारित है। तो मोर प्रोडक्शन और मोर प्रॉफिट करना हो इंडस्ट्री को, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? मोर कंजम्पशन। सो यू आर द पपेट्स, यू हैव टू कंज्यूम मोर so that Adani and Ambani and Bill Gates and Bezos can earn money. तो maximum consumption करना ये आज के capitalism के survival का आधार है, consumption and competition। उसमें हम छोटे छोटे प्यादे हैं और इसलिए हम consumption जितना ज़्यादा करते हैं, जितनी कंपटीशन करते हैं, हम तो दुखी होते ही हैं, हम पूरे पृथ्वी को गर्म करते जाते हैं, बिकॉज एवरी कंजम्पशन, एवरी प्रोडक्शन हीट्स द एनवायरमेंट, हीट्स द अर्थ। तो हमारी डेस्टिनी जैसे हम ही तय कर रहे हैं। एक और तो चिल्ला रहे हैं कि 46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हम ही उसको और 47 पे ले जाने के लिए कंजम्पशन कर रहे हैं। तो गांधी जी की विचारधारा में उस समय जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण का इशू नहीं था, लेकिन उनका अलग था कि जब तक दुनिया में गरीब है, अगर एक भी आदमी भूखा है, एक भी आदमी गरीब है, तो मुझे ओवर कंजम्पशन का हक नहीं। मेरे इसेंशियल जो जीने के लिए आवश्यक है वो तो मैं समाज से लूँ, निसर्ग से लूँ, लेकिन उससे एक कण भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस एक्स्ट्रा कर्ण पे पहला हक मेरा नहीं है, वो उसका है जिस जो भूखा सो रहा है। ये बड़ी सुंदर फीलिंग थी देखिए, क्योंकि इसमें फिर मेरा खाना बढ़ाना, मेरा इनकम बढ़ाना ये प्रेरणा नहीं रहती है, प्रेरणा ये हो जाती है कि वो कौन भूखा है, उसको भूखा नहीं सोना पड़े इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कौन बीमार है उसकी बीमारी कुछ कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपने हार्ट को, अपने ड्रीम को अपने आप से बड़ा कर देते हैं, तो कुछ हद तक आप लिबरेट होते हैं। लिबरेट होने के लिए हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लिबरेशन तो अपने आप के ग्रीड और स्वार्थ से होता है। उसमें ये बड़ी मदद करते हैं कि आपका ड्रीम, आपका हार्ट मी से बड़ा होना चाहिए।